CBSE क्लास 10 और 12 के रिज़ल्ट के बारे में क्या अप टू डेट आया है वो हम पूरी तरह से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, छोटे छोटे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड का हम अपना रिज़ल्ट कैसे देखेंगे पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। देखिए, CBSE ने क्लास 10 के रिज़ल्ट 20 जुलाई को घोषणा करने की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। विभिन्न प्रकार के खबरों से जानकारी प्राप्त हो रहा था कि 20 जुलाई को CBSE क्लास 10 की रिज़ल्ट की घोषणा कर देगी, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि इस वर्ष भी CBSE 10 का रिज़ल्ट की घोषणा रिज़ल्ट पोर्टल cbseresults.nic.in पर की जा सकती है। स्टूडेंट 10 का रिज़ल्ट अप टू डेट इस पोर्टल पर अप टू डेट रहेंगे और उसे विज़िट करते रहेंगे। लेकिन 10 का रिज़ल्ट जो है 20 जुलाई को आज आने की कोई संभावना अभी तक नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि CBSE ने रेगुलेशन के बहुत से स्कूलों का जब डाटा चढ़ा रही थी तो कई तरह की खामियां निकला है, जिसको वार्न करके फिर दोबारा अप टू डेट मार्क्स चढ़ाने के लिए कहा गया है। और बिना रोल नंबर का मार्कशीट आप कैसे देखेंगे, क्योंकि आपको पता है CBSE के द्वारा स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए LOC जारी करते समय आवंटित किया गया था रोल नंबर। तो सारे स्टूडेंट को अपना रोल नंबर जो है वो स्कूल से संपर्क करना होगा और स्कूल से वो एक रोल नंबर जो CBSE ने भेजा था आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असाइनमेंट के टाइम में LOC जारी करते समय दिया था रोल नंबर, उसी आधार पर आप अपने स्कूल को रिज़ल्ट को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।